लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका। गैस परेशान हो रही है। मैं परेशानी हो रही है गैस से, कभी पीछ के पीछे आ जाती है, कभी बाहर। ठीक है, नमस्कार जी। जय हिंद। आपका सवाल पहुंच गया। गैस, एसिडिटी, कब्ज, ये सब शुरुआत है आदमी को रोग ग्रस्त होने की। यहाँ से शुरुआत हो जाती है, हमारी बॉडी रोगों को कबूल करने लगती है। अब एक तो ये है कि गैस की गोली ली, खाई, ठीक हो गए, फिर हो गई। एक ऐसा भी नुस्खा जो आपके पूरे पेट के सिस्टम को, पेट के निज़ाम को दुरुस्त कर दे, और वो मैं अक्सर बताता हूँ और बहुत प्रचलित और बहुत कामयाब नुस्खा है। सौंफ, सौंठ, जीरा, आपके किचन की चीजें हैं सारी, लिख लें जल्दी से। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, ये 6 चीजें। एक बार और बोल देता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, इन सबको जैसे 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाकर, चूर्ण बनाकर रख लें। ये दुनिया का विशेष नुस्खा है। और एक आता है नमक जैतून। नमक जैतून एक नमक जैसा ही दिखने वाला पदार्थ है जो स्वाद में नमकीन नहीं होता, ये नकली भी बहुत मिलता है, असली ले लें। एक चुटकी नमक जैतून अलग से खरीद के रखें, एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिला दें, बस एक चुटकी इतना। और इस पानी से आप ये 6 चीज़ों का पाउडर खाएं, चूर्ण खाएं और पानी पी लें। ये एक दिन में 2 बार कर सकते हैं, खाने से पहले या खाने के बाद लिया जा सकता है। ये आपके पूरे पेट का सिस्टम, एसिडिटी हो, कब्ज हो, बवासीर हो, लीवर की वजह से पेट खराब रहता हो, किडनी की वजह से रहता हो, वर्म हो गया हो कहीं, अक्सर फैटी लीवर हो जाता है, पेट में, आंतों में वर्म हो गया हो, इन सब रोगों के लिए अच्छा नुस्खा है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रूबी जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम जी, नमस्ते जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। मैम। नमस्ते। हाँ जी डॉक्टर, नमस्ते सर। जय हिंद, स्वागत। मेरे आप दो सवाल है सर। एक तो मेरा ये है कि मेरे को ना सांस फूलने की बहुत दिक्कत है, मतलब जब अंग्रेजी दवाई खाती हूँ मैं जब ही सही होती हूँ। कोई ऐसा हो नुस्खा आपके पास जो मुझे अंग्रेजी दवाई ना खाना पड़े? और सांस की दूसरा ये दिक्कत? है कि हाँ जी, सांस में चलती हूँ जैसे सीढ़ी वगैरह तो सांस फूल जाता है, और वजन उठाती हूँ तो सांस फूल जाता है। और दूसरी समस्या ये है, मेरी उंगलियों के बीच में ना खुजली होती है, पैरों की उंगलियों के बीच में बहुत खुजली होती है, ये समस्या है मेरी। और ये नमक जैतून के साथ में सोडा ये खा रही हूँ मैं सर, जैसे कि मेरे को सांस की एलर्जी है तो थोड़ी सी ये सोडा नुकसान तो नहीं करेगा मेरे को, बस ये पूछना था। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब के लिए। थोड़ा सा संयम बरतें। ये जो नुस्खा आप ले रहे हैं, नमक जैतून और खाने का सोडे वाला, तमाम जो एक्स्ट्रा चर्बी और फेफड़े और कफ, और कहीं अगर दिल के आसपास चर्बी है और या दिल की रगों में चर्बी हो, तो ये उन सबको साफ करता है। थोड़ा सा संयम बरतिए, 2-4 महीने लगातार ये नुस्खा लीजिए। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो भी इससे आपका वज़न आपके ज़रूरत के मुताबिक आना है और आपको फ़ायदा शुरू हो गया। अब तो पेशगी मुबारकबाद आपको मैं देता हूँ कि आप बहुत जल्दी पूरी तौर पर अच्छी होने वाली है। करनाल से हैं प्रेमचंद त्यागी जी, स्वागत है आपका। मेरे सर के, मैंने 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ मेरे सर के बाल हल्के हो रहे हैं, तो वहाँ गुरु जी से कोई मशवरा दूंगा, मैं क्या खाऊं गुरु जी, आओ मेरे को बताओ। हाँ देखिए, बालों की सलामती के लिए गौंद मोरिंगा सफ़ेद है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। गौंद मोरिंगा सफ़ेद, जिनको भी बाल घने लंबे या चाहिए, 1 ग्राम इस्तेमाल होता है। पानी, दूध या नारियल पानी के संग ले लें। नरेश कुमार जी, स्वागत है आपका। हेलो, जी सर। नरेश कुमार बोल रहा, सहारनपुर से। जी मैं, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, कब से दर्द है ये? ये 2 महीने से दर्द है। मैंने आज डॉक्टर की दवाई भी दवाई खाई है बहुत, और आराम नहीं, याद 1-2 दिन आराम आ गया, फिर शुगर हो ऐसे हो जा। कौन सी का इस्तेमाल किया आपने जी? हकीम साहब का नुस्खा आपने अपनाया?
नहीं नहीं अभी तो पहली बार ही फोन कर रही हूँ। ठीक है सर, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 59। ये उम्र में या इससे पहले या इसके बाद ये दर्द आता जरूर है और हर किसी को आता है, और इसका इलाज एलोपैथ में तो यह दवा खाओ और ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है। यूनानी एक ऐसा उपचार है जो आपको मुद्दतों के लिए फ़ायदा कर देता है। आप नए जुड़े हैं और बहुत जल्दी जुड़ गए, वरना आदमी 5-10 साल ये इसकी तकलीफ़ उठाता है फिर हमारे साथ जुड़ता है। आप 2 महीने में ही जुड़ गए तो आपको जल्दी से ही फ़ायदा होना चाहिए। एक तो वेस्टर्न टॉयलेट ऐसा कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें, आपसे निवेदन है, ये होना चाहिए घर में आपके उम्र के लोगों के लिए, बड़े उम्र के लोगों के लिए सबके घर में होना चाहिए। इससे भी बहुत राहत मिलती है। और एक देखिए, आपके किचन में धनिया तो आप जानते ही हैं, धनिया है, धनिया का पाउडर 1/2 चम्मच और गोंद सियाह 1/2 ग्राम लिख लें, इसको गलती ना करें। एक आता है गोंद सियाह, ये नकली भी बहुत मिलता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। 15-16 रुपए का 1 ग्राम आ जाता है। 1 ग्राम आपको एक दिन में खाना है, 1/2 ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, 1/2 ग्राम शाम को, 1/2 ग्राम 2 चुटकी होता है, समझ लीजिए 2 चुटकी गोंद सियाह और 1/2 चम्मच छोटा चाय का चम्मच धनिया का पाउडर मिलाकर रोज़ाना 2 टाइम खा लें। दूध से भी खा सकते हैं और पानी से भी खा सकते हैं। बस ये अगर आपको 100 ग्राम भी मिल गया असली गोंद सियाह तो आपको फायदा होना मुमकिन है। अशोक जायसवाल बोल रहा हूँ मैं। जायसवाल जी, आपका सवाल? जी मेरा सवाल ये मेरी श्रीमती जी से रिलेटेड है। वो 60 साल उनकी उम्र है। ठीक है। और पिछले करीब 35-40 सालों से वो सांस की मरीज है। जी मैं बता रहा हूँ, मेरी श्रीमती जी। हाँ नमस्ते आपको मैम, नमस्ते, और हकीम जी नमस्ते। जय जी, बाराबंकी से बोल रहा हूँ। तो मिसेज को हमारी सांस की तकलीफ है करीब 35-40 सालों से। एलोपैथिक दवा करते करते स्थिति ये हो गई कि वजन भी बढ़ गया, 90 किलो के आसपास है। इधर पिछले 6 महीने से बीपी और शुगर भी उनको डिटेक्ट हुआ। तो मौजूदा स्थिति ये है कि मतलब एक बदन में खुजली और चकत्ते जैसे पड़ने लगे। तो उसी संदर्भ में है कि सांस वाला मामला और ये बीपी शुगर और सब देखते हुए आप दवा सजेस्ट करें। ठीक है सर। दमे के मरीज जब बहुत लंबे अरसे तक दमा होता है तो डॉक्टर ऐसे मरीजों को स्टेरॉइड देते हैं। स्टेरॉइड देखने में तो बहुत सस्ती और मामूली दवा लगती है, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई खांसी या दवा नहीं जो इससे फौरन ठीक ना हो जाता हो। इससे ठीक हो जाते हैं लेकिन हमेशा के लिए ठीक नहीं होते, फिर ये स्टेरॉइड खाते रहना पड़ता है। जीना है तो खाना है, ये स्थिति आदमी के साथ आ जाती है। और क्योंकि बहुत पुरानी मरीजा हैं तो ये स्थिति आ चुकी है कि वो दवाएं छोड़ नहीं सकते। अब फिर उसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि वज़न बढ़ता है, जगह जगह बाल निकल आते हैं, बाल भी लंबे होने लगते हैं। वो फायदेमंद दवा भी है, नुकसानदेह दवा भी है, तो उसे छोड़ तो सकते नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको मैं एक नुस्खा बता देता हूँ, वो आप इस्तेमाल करें तो काफ़ी राहत रहेगी, फेफड़ों को मजबूती मिलेगी और इम्यूनिटी बढ़ जाती है इससे। और देखिए, शुगर और बीपी अगर है तो एक नुस्खा है, ये जो आपके घर में खाने का सोडा है ना, 1 चुटकी खाने का सोडा 1 गिलास पानी में मिलाएं, पानी गर्म हो तो बहुत अच्छा है, गर्म पानी इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक आता है गोंद जामुन, जामुन का गोंद भी आता है, मुश्किल से मिलता है, नकली भी मिल जाता है, असली लें, 1 चुटकी गोंद जामुन सुबह 1 शाम और खाने का सोडा पानी मिलाकर, इस पानी से इन्हें 2 या 3 बार भी दे सकते हैं, 1-1 चुटकी। ये काफ़ी तेज़ होता है, दुनिया की सबसे तेज़ असर रॉ मटेरियल जामुन का गोंद है,
डायबिटीज के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए, तो इससे आपके वजन भी उनका कम होना चाहिए और डायबिटीज भी कंट्रोल रहनी चाहिए। अपनी दवाएं खाते हुए ही इस्तेमाल करें। अब रही दमा की बात, दमे में भी एक नुस्खा लिख लीजिए, सपिस्तान। देखिए सपिस्तान लिसोड़े को कहते हैं हमारी जबान में, सपिस्तान, और इसे लिसोड़ा कहते हैं। लिसोड़ा आप ज़रूर जानते होंगे जब इतने सीनियर हैं। सपिस्तान 100 ग्राम, उन्नाब, उन्नाब भी एक बेर है, लाल रंग का होता है और ईरानी बेर को कहते हैं उन्नाब। उन्नाब 100 ग्राम, सपिस्तान 100 ग्राम और अलसी 100 ग्राम। अलसी भी आप जानते ही होंगे, उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें और ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लें। और आपके किचन में पीपलें होती हैं, पीपलें, इसे पीपला मूल भी कहते हैं, गरम मसालों में पाई जाती हैं। श्रीमती जी से अपनी पूछिए तो वो बता देंगी। 30 ग्राम पीपलें और 100-100 ग्राम ये तीनों चीज़ें, इन सब का एक पाउडर बना लें और एक चम्मच सुबह खाली पेट पानी या चाय पिला दें बाद में गरम गरम, और एक चम्मच रात को पिला दें। आप देखेंगे कि उनको बहुत राहत मुमकिन है। अपनी दवाइयाँ ना छोड़ें, ये नुस्खा इस्तेमाल करें। मेरी दुआओं के साथ उनको फ़ायदा मुमकिन है।